हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ट्राई ड्रामा जिसका नाम है वाइफ ऑन ड्यूटी। ये एक एरोगेंट बिजनेसमैन और मेड की मैरिज लव स्टोरी है। ये इस ड्रामे का पार्ट वन है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम तावांग को देखते हैं जो हमारी ड्रामा की मेन फीमेल लीड है। तावांग अपनी मॉम के साथ रहती है। वो एक मेड है और उसका खुद का ऑनलाइन साइट है मेड हायर का। तावांग मेड के साथ साथ एक मल्टी टैलेंटेड गर्ल है। वो कई और तरह के पार्ट टाइम जॉब भी करती है अर्निंग के लिए। उसे ड्रामा देखना बहुत पसंद है। वो एक दिन ट्राई ड्रामा की शूटिंग के सेट में मेड हायर हुई थी, जहां उसकी मुलाकात टॉमरॉन से होती है। टॉमरॉन हमारे ड्रामे का मेन लीड है। टॉमरॉन हैंडसम होने के साथ साथ एक कंपनी का ओनर भी है। उसकी कंपनी रबर बनाती है। टॉमरॉन को भी तावांग की तरह ट्राई ड्रामा देखना पसंद है। इवन उसकी एक ड्रामा प्रोडक्शन की कंपनी भी है। एक दिन टॉमरॉन सेट में शूटिंग देखने आया था। सेम सेट में तवांग भी थी। वो शूटिंग देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तब असिस्टेंट आकर उसे अपना काम करने कहती है, लेकिन तवांग शूटिंग देखने में इतनी खो जाती है कि वो असिस्टेंट की बात ही नहीं सुनती। तवांग असिस्टेंट से पूछती है, ये ड्रामा कौन से चैनल में आएगा? असिस्टेंट कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। तवांग कहती है, मुझे ड्रामा देखना बहुत पसंद है। तब टॉमरॉन कहता है, असिस्टेंट तुम्हें कह रही है, तुम जिस काम के लिए यहाँ आई हो वो काम करो। तब तावांग टॉमरॉन के लिए कॉफ़ी लेकर जाती है। तब वो देखती है टॉमरॉन की नेल्स बहुत गंदी है, जो देखकर उसे नहीं रहा जाता, क्योंकि तावांग एक क्लीनिनेस फिक है। उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो टॉमरॉन के नेल्स काटने लगती है। टॉमरॉन उसे नेल्स काटने से मना करता है, लेकिन तावांग नहीं मानती है। वो जोर जबरदस्ती टॉमरॉन की नेल्स काटती है और साथ ही मैनिक्योर भी करती है। उसके बाद टॉमरॉन तावांग से पूछता है, तुमने ये मार्क्स क्यों लगा कर रखा है? तब तावांग कहती है, आजकल लोग हाइजीनिक मानते हैं। तब टॉमरॉन कहता है, क्या मैं तुम्हारा मार्क्स हटा सकता हूँ? तावांग मना करती है हटाने से, लेकिन टॉमरॉन नहीं मानता है। वो उसकी फेस से मार्क्स खींच लेता है, लेकिन वो तावांग का फेस नहीं देख पाता है, क्योंकि तावांग ने बहुत सारे मार्क्स लगा कर रखे थे। टॉमरॉन मास्क हटाते हटाते थक जाता है, लेकिन तवांग के फेस से मास्क खत्म ही नहीं हो रहे थे और वो उसका फेस भी नहीं देख पाता है। ये एक फनी सीन है। टॉमरॉन की सेक्रेटरी सोफिट नोटिस कर लेती है कि टॉमरॉन ने मैनिक्योर किया है। सोफिट टॉमरॉन को बहुत लाइक करती है। टॉमरॉन जानता है कि सोफिट उसे पसंद करती है, लेकिन टॉमरॉन सोफिट को अपना बेस्ट फ्रेंड और सेक्रेटरी ही सिर्फ समझता है। उसके बाद हम टॉमरॉन के ड्रैग ट्रॉन्ग को देखते हैं, जो टॉमरॉन को अपनी फ्रेंड की बेटी से शादी करने को कहता है। टॉमरॉन शादी करने से साफ साफ मना कर देता है। तब टॉमरॉन के डैड कहते हैं, तुम्हें शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि बचपन में ही तुम्हारी शादी यॉट की बेटी यादफा से करने का हमने वादा किया था, क्योंकि यॉट ने हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमारी बहुत हेल्प की है। टॉमरॉन तब भी शादी करने के लिए नहीं मानता। तब उसके डैड कहते हैं, यादफा रिच फैमिली से है, अगर तुम उसे शादी कर लोगे तो उसकी बिजनेस और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। टॉमरॉन कहता है, अच्छा आप मेरी शादी पैसों के लिए कराना चाहते हो? और टॉमरॉन कहता है, मैं उससे शादी कैसे करूँ, ना मैं उसे जानता हूँ ना ही आज तक मैं उसे मिला हूँ। तब उसके डैड कहते हैं, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, तुम्हारी मॉम ने यदफा की मॉम को 4 मिलियन की रिंग भी दे रखी है। उसके बाद टॉमरॉन अपने डैड से कहता है, आप मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे कॉल करके रिंग ले लूँगा। डैड नंबर दे देते हैं, लेकिन जब टॉमरॉन कॉल करता है वो लोग रिसीव नहीं करते हैं। उसके बाद टॉमरॉन के डैड ये देखकर टॉमरॉन से कहते हैं, तुम एक बार यदफा से मिल तो लो, क्या पता वो तुम्हें पसंद आ जाए। अगर वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तब हम तुम्हें प्रेशर नहीं करेंगे।
टॉमरॉन की डैड की ये बात सुनते ही उसकी मॉम उसे समझाती है, जिसके बाद टॉमरॉन यदफा से एक बार मिलने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम यदफा को देखते हैं जो एक बिगड़ी हुई लड़की है। यदफा के डैड योट उसे कहते हैं, तुम्हें मेरे फ्रेंड के बेटे से शादी करनी होगी, जिसके लिए यदफा साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि यदफा को लगता है टॉमरॉन एक रबर कंपनी का ओनर है, सो वो देखने में अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसे क्या पता कि टॉमरॉन कितना हैंडसम है। योट कहता है, अभी बिजनेस बहुत लॉस में चला गया है, अगर तुम टॉमरॉन से शादी कर लोगी तो वो लोग जरूर हमें बिजनेस में हेल्प करेंगे। लेकिन यदफा नहीं मानती है और वो कहती है, मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। योट कहता है, अगर तुम टॉमरॉन से शादी नहीं करना चाहती हो तो अपनी मॉम से कहो वो उनके दिए हुए रिंग को वापस कर दे, जो एंगेजमेंट के लिए दिया था। यदफा की मॉम शॉक होकर पूछती है, आप कौन सी रिंग के बारे में बात कर रहे हैं? तब उसके डैड कहते हैं, वही रिंग जिसे तुमने 5 मिलियन में बेच दिया था। यदफा ये सुनकर शॉक होती है और वो अपनी मॉम से पूछती है, आपने मेरी एंगेजमेंट की रिंग भेज दी? उसकी मॉम कहती है, तुम्हें उससे क्या लेना है, वैसे भी तुम उससे शादी नहीं करना चाहती हो। यदफा कहती है, लेकिन वो रिंग तो मेरी थी ना, इसलिए मुझे वो वापस दे दो। तब उसकी मॉम कहती है, ज़्यादा मत बोलो, जो कार अभी तुम चला रही हो वो कार उसी रिंग के पैसे से लिया है। तभी यदफा को उसके बॉयफ्रेंड बैन का कॉल आता है, जो एक नंबर का लड़की बास फाइब्रेट है, और वो यदफा को अपना एटीएम समझता है, जब चाहिए उसे पैसा मांगता रहता है, और वो यदफा को कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने कहता है। मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, यदफा बोलती है, ठीक है मैं भेजती हूँ। योट यदफा से कहता है, तुम अपने इस फालतू बॉयफ्रेंड के वजह से टॉमरॉन से शादी नहीं कर रही हो ना? यदफा तब गुस्सा होकर कहती है, डैड आप मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे मत बोलिए। यह कहकर यदफा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम तावांग को देखते हैं। तावांग यदफा के घर में मेड का काम करती है। यदफा की मॉम तावांग को बताती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम सब काम खत्म कर देना। तावांग यदफा के रूम को सफा कर रही थी। तभी तावांग को जियो का वीडियो कॉल आता है। वो टॉमरॉन के घर की परमानेंट मेड थी। तभी जियो की नज़र तावांग के पीछे वाली ड्रेस पर जाती है और वो तावांग को वो ड्रेस ट्राई करने को कहती है। तावांग ट्राई करने से साफ साफ मना कर देती है और वो कॉल को कट कर देती है। लेकिन कॉल कट करने के बाद उसका मन भी वो ड्रेस ट्राई करने को करता है और तवांग वो ड्रेस पहन लेती है, और उस ड्रेस में तवांग बहुत सुंदर लग रही होती है और ड्रेस पहनकर वो सेल्फी लेने लगती है। उसी समय टॉमरॉन यदफा से मिलने यदफा के घर आता है। तभी तावांग को यदफा की मॉम का कॉल आता है और वो उसे पूछती है, अगर काम खत्म हो गया है तो मैं घर वापस आ जाऊं? तब तावांग कहती है, और थोड़ा समय लगेगा काम खत्म होने के लिए, और वो दौड़ते हुए घर के मेन डोर को क्लोज करती है और वापस आते समय वो टॉमरॉन से टकरा जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं। तावांग टॉमरॉन को पहचान जाती है। टॉमरॉन कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? तावांग बताती है, हाँ। टॉमरॉन तावांग से पूछता है, तुम अंकल योट की बेटी यदफा हो ना? तावांग को समझ नहीं आता वो क्या कहे। टॉमरॉन कहता है, कुछ तो बोलो, हाँ या ना, और अगर तुम यदफा नहीं हो तो कौन हो? तावांग उल्टा टॉमरॉन से पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ बिना पूछे कैसे अंदर आए? टॉमरॉन कहता है, तुम ये बोलो कि तुम यदफा हो कि नहीं, तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाइल से तो लग रहा है तुम ही यदफा हो, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तावांग को लगता है टॉमरॉन मजाक कर रहा है, इसलिए वो कहती है, हाँ बुलाओ पुलिस को। लेकिन टॉमरॉन सच में पुलिस को कॉल लगा देता है। ये देखकर तावांग डर के मारे बोल देती है कि हाँ मैं ही यदफा हूँ। टॉमरॉन ये सुन के कॉल कट कर देता है। टॉमरॉन यदफा से पूछता है, तुम्हें तो मेरा नाम पता ही होगा ना, और ये भी कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। तावांग ये सुनकर शॉक होती है, टॉमरॉन यदफा का फियांसे है। तावांग की शॉकिंग फेस को देख के टॉमरॉन फिर से पुलिस को कॉल लगाता है।
तब तवांग कहती है, हाँ मुझे पता है तुम मेरे फियांसे हो। तोमरोंग को यकीन हो जाता है कि तवांग ही यद्यफा है। तोमरोंग उसके बाद तवांग से पूछता है, तुम्हें हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है? तवांग बोलती है, तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तोमरोंग कहता है, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तवांग बोलती है, मैं इसका आंसर बाद में दूंगी, और वो तोमरोंग को जल्दी से घर से भेज देती है। उसके बाद तवांग जल्दी से अपना ड्रेस चेंज कर लेती है। वहीं तोमरोंग को तवांग का बिहेवियर काफी अजीब लगता है। उसके बाद तवांग अपनी फ्रेंड जियो का बर्थडे सेलिब्रेट करने तोमरोंग के घर जाती है। तभी तोमरोंग भी सोफित के साथ घर आ जाता है। सोफित तोमरोंग को घर में अकेला सोचकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तोमरोंग सोफित को रोक देता है। उसके बाद वो जियो को बुलाने आता है। तवांग तोमरोंग को देखकर शॉक होती है और डर से अपना फेस छुपा लेती है। तो अभी सोफित भी वहां आ जाती है। जियो तोमरोंग और सोफित को अपने साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है। तवांग ये सुनकर और डर जाती है और सोचती है, अगर तोमरोंग ने मुझे देख लिया तो वो मुझे पहचान जाएगा। और इसी मोमेंट में ड्रामे का ये पार्ट एंड होता है। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।